हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है। तो देखिए, मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, काइंड फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये सारी मॉनिटरी पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है, लाइक एज द डिमांड, सप्लाई ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें किसका ज्यादा रोल रहता है? तो मॉनिटरी पॉलिसी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। और इसके क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो पहला तो यही है, इट रेगुलेट मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी मनी की, पैसे की सप्लाई होती है, तो वो मॉनिटरी पॉलिसी डिसाइड करती है। मॉनिटरी पॉलिसी रेफर टू दैट पॉलिसी बाय विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, यानी कि RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, RBI है, दे कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो RBI का मेन काम है कि सप्लाई, पैसों की जो भी सप्लाई है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको कंट्रोल करना। इट रेगुलेट द स्टॉक एंड ग्रोथ रेट ऑफ सप्लाई। तो आपकी जो मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू पैसों का जो स्टॉक और ग्रोथ रेट है सप्लाई का, उसको भी कंट्रोल किया जाता है। एंड रेगुलेट द इंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इकॉनमी। इकॉनमी के जितने भी बैंकिंग सिस्टम है, इकॉनमी के जितने भी बैंकिंग है, उसमें किस तरह का सिस्टम रहेगा, किस तरह के रूल और रेगुलेशंस रहेंगे, क्या फर्दर प्रोसेस रहेगा, वो सारा का सारा मॉनिटरी पॉलिसी के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। सिंपल मीनिंग है कि जहाँ पे सप्लाई और मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जिस तरह से डिसाइड किया जाता है या जिस तरह से सर्कुलेट किया जाता है, वो मॉनिटरी पॉलिसी का ही पार्ट है। इट रेगुलेट द लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इनडायरेक्टली इन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कितना रहेगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फॉर क्रेडिट। इट डिटरमिन द एलोकेशन ऑफ लोन अमंग डिफरेंट सेक्टर। अगर डिफरेंट सेक्टर में पैसा एलोकेट करना है, तो इंटरेस्ट रेट किस तरह का रहेगा, किस किस सेक्टर में कितना पैसा सैंक्शन हो सकता है, कितनी लिमिट रहेगी। इट प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रमोट सेविंग एंड द राइज द सेविंग इनकम रेशियो। आपने देखा होगा कि बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, तो हर बैंकिंग का सिस्टम अलग होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, सेविंग के ऊपर कितना परसेंट रेट देना है, तो बैंकिंग सेविंग को भी इंक्रीज करता है। इट इंश्योर एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर ग्रोथ एंड ट्राई टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। तो अगर हम बात करें क्रेडिट की ग्रोथ की, तो लोन के ऊपर की टर्म एंड कंडीशंस क्या होगी, या प्राइस स्टेबिलिटी को अगर मेंटेन करना है, तो उसके लिए भी बैंकिंग सेक्टर का या मॉनिटरी पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, तो आपका फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। अब पैसों की अगर शॉर्टेज पड़ जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मनी सप्लाई इंक्लूड बोथ मनी इन सर्कुलेशन एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। तो मनी सप्लाई दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, पहला तो सर्कुलेशन में कितना पैसा है, दूसरा कि बैंक उधार कितना दे रहा है, तो उसमें बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत जरूरी है। मॉनिटरी पॉलिसी इज फ्रेम टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकॉनमी बाय क्रेडिट एक्सपेंशन या क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। पैसा ज्यादा भी उधार पे देना या कम उधार पे देना, तो एक बैलेंस मेंटेन करना मॉनिटरी पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो मॉनिटरी पॉलिसी के आधार पे ही पैसा कितना एक्सपेंड करना है, कितना कॉन्ट्रैक्टिंग मनी सप्लाई रखनी है, कितना उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन कंट्री बिकॉज इट इम्प्लाई कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। प्राइस की स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, अगर प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा। नेक्स्ट वन है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करता है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी मेक अवेलेबल नेसेसरी सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। द सेक्टर विच आर क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ आर प्रोवाइडेड द एडुकेट अवेलेबिलिटी फॉर क्रेडिट। अगर जिस सेक्टर की जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे उधार देके भी बैंक उनकी फैसिलिटी को इम्प्रूव करता है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंकिंग के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करते हैं, जिसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपॉजिट पर पब्लिक के लिए मिलता है, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है।
नेक्स्ट वन है टू कंट्रोल द बिजनेस साइकल्स। तो जहाँ पे बूम या डिप्रेशन की बात आती है तो ये मेन फेज रहते हैं बिजनेस साइकिल के। तो मॉनिटरी पॉलिसी पुट ए चेक ऑन द बूम एंड डिप्रेशन। इन द पीरियड ऑफ बूम द क्रेडिट इज कॉन्ट्रैक्टेड। जब बहुत बूम सिचुएशन आती है तो उधार देना बंद कर दिया जाता है, और जब डिप्रेशन की सिचुएशन आती है इकॉनमी में तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार दिया जाता है। टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी। अब अगर एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी की बात करें तो आरबीआई स्ट्राइव टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी बिकॉज एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रूपीज टर्म अ मेजर फॉरेन करेंसी। इफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटेड एक्सप्रेसली देन आरबीआई टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लाइक परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन करेंसी एज टू रेगुलेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी एंड अनदर वन। तो ये डिपेंड करता है कि आरबीआई किस तरह से डील करता है। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबल करना है या अपने पैसों को स्टेबिलिटी करना है तो उसमें या तो आरबीआई परचेज करेगा एसेट को या सेल करेगा। टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड। तो इसमें है कि जो मॉनेटरी अथॉरिटी है ट्राई टू कीप द एग्रीगेट डिमांड इन बैलेंस। डिमांड और सप्लाई को दोनों को स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अगर माना फॉर एग्जाम्पल सप्लाई की सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तब भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इसलिए इफ द एग्रीगेट डिमांड इज टू बी इंक्रीज देन क्रेडिट इज एक्सपेंडेड। जब डिमांड ज्यादा होगी तो क्रेडिट की फैसिलिटी बैंक को ज्यादा देनी पड़ेगी, अगर डिमांड कम है तो क्रेडिट की फैसिलिटी कम होगी। टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। अब प्रायोरिटी सेक्टर के आधार पे जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी देना, यानी कि स्मॉल सेक्टर है, वीकर सेक्शन सोसाइटी है, तो उसके लिए उधार ज्यादा प्रोवाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट वन है टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी? अगर बैंकिंग सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर या स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को पैसा देगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ये जो मेन रोल रहता है, क्योंकि इट प्रोवाइड द कंसेशनल फंड फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, तो उसके लिए वो कंसेशनल डेवलपमेंट फंड भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन है टू रेगुलेट एंड एक्सपेंड बैंकिंग। जहाँ पे बैंकिंग की ब्रांच को एक्सपेंड करना है, रूरल सेटअप करना है, रूरल में ब्रांचेस लगानी है, तो वहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी का रोल रहता है। टू प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो भी एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको कंसेशंस पे लोन प्रोवाइड करना, और जो सब्स्टिट्यूट इम्पोर्टेड हाउस हैं उनके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। टू कंटिन्यूसली मॉनिटर ग्लोबल एंड द डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन। तो मॉनिटरी पॉलिसी एम टू कंटिन्यूसली मॉनिटर द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन सो दैट टाइमली पॉलिसी एडजस्टमेंट कैन बी डन। तो टाइमली पॉलिसी गवर्नमेंट बना सकती है अगर आरबीआई इस तरह से, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, या अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इस चीज़ों को वो मेजर करती है। मॉनेटरी पॉलिसी सिंपल सा मीनिंग है जहाँ पे आपकी सप्लाई ऑफ मनी को मैनेज करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड को या मनी को, कि जो मार्केट में क्या सिचुएशंस है। द गवर्नमेंट टेक वेरियस स्टेप टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्यों इकोनॉमिक की अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आल्सो पार्ट ऑफ दैम। मॉनेटरी पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट आल्सो रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम सो एज टू मीट क्रेडिट नीड ऑफ द इकोनॉमी। इट क्रिएट फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डिमांड और सप्लाई में बैलेंस क्रिएट करना। तो पैसों की जो भी सिचुएशन है, लाइक इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सप्लाई ऑफ मनी, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का रोल रहता ही रहता है।